में से कुछ लोगों ने रिपोर्ट किया हुआ इसको, कल की खबर मैं आपको बता रहा हूं, बिहार में जो नोटिफिकेशन चार साल पहले हुआ था बिहार एसएससी का, चार साल बाद जब कल परीक्षा हुई तो कल उसका पेपर लीक हुआ। आज सुबह सुबह मुझे खबर मिल रही है कि आज जो परीक्षा चल रही है एसएससी का ही, बिहार एसएससी का, उसकी पहली पाली का पेपर भी लीक हो चुका है। अभी जब हम बात कर रहे हैं तो बिहार में बिहार एसएससी के फर्स्ट सिटिंग का जो पेपर है वो भी वायरल हो गया है। इसके अलावा यूपी पीसीएल का पेपर लीक हुआ, सफदरजंग हॉस्पिटल जो दिल्ली का है, इसमें नर्सिंग का एग्जामिनेशन होता है, इसका पेपर लीक हुआ था। आप लोग तो दिल्ली में, आपको जानकारी होगी इसकी। और सबसे चिंताजनक जो बात है, एयरफोर्स और एनडीए जैसी संवेदनशील जो परीक्षाएं हैं, अब एनडीए की परीक्षा यूपीएससी कंडक्ट करवाती है, एयरफोर्स और एनडीए जैसी परीक्षाओं का पेपर लीक हो रहा है। तो ये जो मैं कह रहा हूं कि पेपर लीक की घटना नॉर्मलाइज हो चुकी है, एक तरफ इतनी बड़ी तादाद है युवाओं की जिसको रोजगार चाहिए, जो लगातार तैयार हो रहा है, फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम से आ रहा है नौकरी पाने के लिए, नौकरियों में लगातार कमी की जा रही है, आप देख रहे हैं हर लेवल पे गड़बड़ हो रहा है। उदाहरण के लिए मैं आपको देता हूं, यूपीएससी का जो आईएएस आईपीएस का जो एग्जाम होता है सिविल सर्विसेज का, 2014 में जब नोटिफिकेशन हुआ तो 1382 पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन हुआ, 1382 पदों के लिए। साल दर साल पदों की संख्या को घटाया गया। 2018 में जो नोटिफिकेशन हुआ है वो 750 के लगभग पदों के लिए है। डीएमएसपी की रिक्वायरमेंट तो बढ़ी रही होगी, लेकिन सिविल सर्विसेज की जरूरत पता नहीं क्यों अभी की सरकार को लगातार लग रहा है कि जरूरत ही नहीं है। इसके भी कई आयाम, इसके भी कई कारण है। तो मैं एक जनरल जो स्थिति है, जो मीडिया के माध्यम से और मुख्य विपक्षी दलों के माध्यम से भी, जो मैंने मध्य प्रदेश के व्यापन का जिक्र किया, ये युवाओं के आक्रोश को कहीं से चैनल नहीं मिल रहा है।